हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं इलॉन मस्क और उनके मार्स मिशन के बारे में। आप सबने इलॉन मस्क का नाम तो जरूर सुना होगा। इलॉन मस्क वो इंसान है जिसने इस दुनिया से कभी हार नहीं मानी और अपने सारे ड्रीम को ये पूरा करता गया है। उन्हें एक सेफ पेमेंट मेथड की जरूरत थी तो उन्होंने दुनिया के सामने पेपल जैसी बड़ी कंपनी को इंट्रोड्यूस किया। उन्हें इलेक्ट्रिक कार चाहिए थी तो उन्होंने टेस्ला मोटर जैसी कंपनी डेवलप की। उन्हें फास्ट ट्रांसपोर्टेशन चाहिए था तो उन्होंने हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। और आज उन्हें स्पेस में ट्रेवल करना है तो वो स्पेस एक्स जैसी बड़ी कंपनी के ऑनर है और उस कंपनी को वो चला रहे हैं। और अब उनका नेक्स्ट मिशन है कि वो मार्स को कॉलोनाइज करें। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि 2024 तक वो ह्यूमंस को मार्स तक पहुंचा देंगे। ये टाइम लिमिट काफी कम है लेकिन फिर भी उन्होंने जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है। उनका प्लान ये है कि वो 2022 तक दो रॉकेट लॉन्च करेंगे जो कि यहाँ से कार्गोज और रिक्वायर्ड फ्यूल्स को लेकर के वहाँ मार्स तक जाएगा और वहाँ पर लैंड करेगा। और जब 2024 में जब कुछ लोगों को यहाँ से मार्स पर भेजा जाएगा तो वो उन कार्गोज को यूज़ करके वहाँ पर एक फ्यूल का प्लांट रेडी करेंगे और उस प्लांट से फिर वहाँ के आगे के काम डिसाइड होंगे। और इसी मिशन के लिए इलॉन मस्क ने एक रॉकेट रेडी किया है जिसका नाम है BFR, जिसका डिजाइन कुछ ऐसा किया गया है कि उसके अपर चैम्बर में लोग रहेंगे और उस और जरूरत के सारे सामान रहेंगे, और जो उसका बीच वाला चैम्बर रहेगा वो फ्यूल टैंक होगा उसमें, और जो उसका लास्ट चैम्बर होगा वो उसके इंजन का सेक्शन होगा। और इस रॉकेट में सबसे एडवांस चीज जो है वो ये है कि इसमें प्रोपल्सिव लैंडिंग के फीचर्स भी अवेलेबल है। प्रोपल्सिव लैंडिंग क्या होता है कि जब भी एक रॉकेट स्पेस में जाता है तो उसका इंजन उससे डीअटैच हो जाता है, उसका जो हाफ सेक्शन उससे डीअटैच हो जाता है जो उसको स्पेस तक लेकर गया है, और उसके बाद वो किसी काम में आता नहीं है। लेकिन प्रोपल्सिव लैंडिंग से क्या होगा, जो पार्ट डीअटैच हुआ है वो वापस अर्थ पर आकर के लैंड कर जाएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा स्पेस ट्रेवल का। तो स्पेस एक्स ने स्पेशली इस टेक्नोलॉजी पर काम किया और इसे सक्सेसफुली अचीव भी कर लिया है। और इस रॉकेट के जरिए ही वो पहले अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे। अर्थ ऑर्बिट में जब हमारा रॉकेट पहुंच जाएगा तो वहां पर उसे वो रिफ्यूल करेंगे, और रिफ्यूल करने के बाद वो फाइनल जाकर के मार्स पर लैंड करेगा, जहां पर हमारे जो मार्स पर जाने वाली जो टीम रहेगी मार्शियंस की, वो लोग वहां पर अपना आगे का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, वहां पर एक फ्यूल का प्लांट डेवलप करेंगे। एंड वी होप इलॉन मस्क का ये ड्रीम प्रोजेक्ट जरूर पूरा हो जाए। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।